तो साथियों, आप अगर इंस्टाग्राम रील्स, मौज, टकाटक, टिकी, अदर जितने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, उन सारे वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो बना के थक चुके हो और आपका वीडियो काफी मेहनत करने के बाद भी आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो आज किस वाले वीडियो को जस्ट इतना सा आप ध्यान से देखिएगा। मैं गाइस आपको बहुत ही आसान तरीके से आज आपका वीडियो जो है वायरल करना सिखाने वाला हूँ। तो यार, सबसे पहले आप जान लो कि आपका वीडियो वायरल कब होगा। अगर दोस्तों आप अपना जो वीडियो उसको नॉर्मल बनाते हो, मतलब लिपसिंग करते हो या फिर कुछ एक्ट करके दिखाते हो, तो आपका वीडियो मतलब उतना जल्दी वायरल नहीं होगा। अब बोलोगे भाई वायरल कैसे होगा फिर, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे जिस तरह के वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने अपना वीडियो को यहाँ पे विष्णु प्रिया जी के साथ बनाया है। तो यार कितना रियलिस्टिक लग रहा है, वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह का जो यूनिक कंटेंट का वीडियो होता है, वही सारे वीडियो गाइस इंस्टाग्राम रील्स, मौज, टकाटक, जो जितने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर वायरल हो सकता है। तो आज की इस वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ इसी तरह का यूनिक कंटेंट का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, आप भी अगर मेरी तरह वीडियो एडिट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ। आप भी गाइस यहाँ पर अपने हिसाब से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस तरह का जो वीडियो, इसको एडिट करने के लिए आपको दो ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। पहला जो ऐप है वो है कपकेट, और आपको पता ही होगा कपकेट को अगर आप इंडिया में यूज़ करना चाहते हैं तो किसी एक VPN सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सिक्योर्ड VPN का यूज़ करता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे VPN को कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी दोस्तों अपना जो VPN सॉफ्टवेयर है उसको पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर लेने के बाद साथियों, अभी आप यहाँ पे कपकेट ऐप को ओपन कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी आप इस बार न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से आपके गैलरी में जितने सारे वीडियो है वो आपको यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। यहाँ से गाइस अभी आपका जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अभी दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको दोस्तों इस वाले ओवरले के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, देन एड ओवरले को सिलेक्ट करके अभी गाइस आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे यहाँ पे विष्णु प्रिया जी का एक वीडियो को प्ले होता हुआ देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को डाउनलोड करना है तो आपको इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। मैं गाइस आगे आपको चल के वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे जो वीडियो उसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। अभी आपको इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है आपको हटाना होगा, यानी रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप नीचे में जो ऑप्शन सब देखोगे, इसी ऑप्शन के बीच आप यहाँ पे देखोगे तो रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इस जगह पर रिमूव बैकग्राउंड का 100% तक यहाँ पर टाइम लेगा। उसके बाद आपका वीडियो का जो बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अभी गाइस विष्णु प्रिया जी का जो वीडियो है उसको आप नीचे में लाइएगा और कुछ इस तरह से इस जगह पर आप यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद साथियों, आपका विष्णु प्रिया जी का जितना वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब आपका वीडियो का जितना ड्यूरेशन रहेगा, दोनों वीडियो का जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पर बराबर में आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अभी अगर दोस्तों मैं अपना वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो गाइस वीडियो यहाँ पे थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है ना, यहाँ पर मेरा वीडियो पीछे चला जा रहा है, विष्णु प्रिया जी का वीडियो आगे आ जा रहा है, मतलब उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। उसके लिए दोस्तों आपका वीडियो में अगर इस तरह से लगता है तो आप अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से जूम कर लीजिएगा, कुछ इतना आप इसको यहाँ पर जूम कर कीजिएगा इतना। करने के बाद साथियों, विष्णु प्रिया जी का जो वीडियो है इसको हल्का से इस साइड में स्लाइड कीजिएगा, इतना में आप इसको स्लाइड कर दीजिएगा। अभी अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो गाइस देख सकते हैं वीडियो अभी कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप यहाँ पे रेजोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे 1080p रखिएगा और 60fps में गाइस वीडियो को आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो वीडियो का ट्यूटोरियल है आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नहीं हो तो भाई का चैनल है, सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।